कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे लेजिट कुछ नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ मुझे। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। आई नो तुम्हारे मन में मेरे को लेकर बहुत सारी गालियाँ होंगी, बहुत सारी, क्योंकि मैं तो ईद का चांद हो गया था अपना, पता नहीं मिस्टर इंडिया हो गया था, कहाँ गायब हो गया था। लॉन्ग ब्लॉग से तो कोई फरिश्ता था नहीं, बताता हूँ यार। तुम्हारे को पता है मेरा कैमरे ने सांसें लेनी भी छोड़ दी, वाला तो मर गया, नहीं रहा वो जिंदा। तो कैमरे की बड़ी दिक्कत हो रही थी और फ़ोन भी लिया मैंने, कहा था मैं फ़ोन से करूँगा, बट यार फ़ोन से ना वो मज़ा नहीं आता, और क्या बोलते हैं इतना वैसा इंस्टा का भी डाटा होता है तो इतना व्लॉग वगैरह का नहीं बन पाता। बट फाइनली अब तुम लोग समझ गए होगे देख के कि पीछे का ब्लर है, मतलब मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैमरे के बारे में प्रॉपर बाद में बताऊंगा, लोगों को बताता हूँ व्लॉग का जो पर्पस है। तो देखो, जो लोग तुम इतना डिमांड कर रहे थे भाई, मेरे आ चुके हैं एग्ज़ाम और मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे लेजिट कुछ नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता। इस बार 11th के एग्ज़ाम है और कल मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। वैसे मैंने सोचा 2-3 दिन पहले स्टार्ट करूँगा अपना व्लॉग, बट आज कर रहा हूँ, भूल गया था। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे को थोड़ी बहुत तैयारी दिखाऊंगा जो करूँगा, मतलब कल सुबह तक, बाकी कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या होगा मेरे को, मैं पास हो जाऊँ वही बहुत है, भगवान भरोसे, कुछ नहीं कर सकते। बाकी हाँ, ये वाले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर देखना, तुम लोगों को मज़ा आएगा। मेरी हालत देख के तो वैसे तुम लोगों को मज़ा आता है, तो यार चलते हैं। दिस इज़ माई न्यू ब्लॉगिंग सेटअप एंड काफ़ी डोप लग रहा है ना, पहले वाला तो बहुत हल्का था, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, मेरे हाथ में भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा भारी है, बट मैं कोई बात नहीं करूँगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। बाकी हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। भैया ने, मतलब जो हमारे टीचर हैं इकोनॉमिक्स के, ट्यूशन वाले टीचर, उन्होंने बताया कि ये कर लेना और करता हूँ उसको। ये मेन टॉपिक को ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सारा तो आता नहीं है, मेन ही पकड़ेंगे। मेरी इकोनॉमिक्स की बुक, एंड हाँ तुम्हारे को देख के लग रहा होगा कि मैं पढ़ाकू हूँ, हाँ यार ये थोड़ा सा फट गया, तो मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ मैं अभी, बट हाँ दो बुक्स आ रही हैं और अपना इनसे ही तैयारी करनी है। तो हाँ अब तैयारी स्टार्ट करते हैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं यार। थ्योरी पढ़ने में बहुत आलस आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में भी मैं ऐसे ही करता था, मैं अपना वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब पे, और मैं वीडियो देख के ना फिर याद कर लेता हूँ, उसमें समझ लेता हूँ, फिर उसको अपनी भाषा में उसे लिखाता हूँ, एंड वही कर रहा हूँ मैं अभी। अभी मेरे को बुक से पढ़ने में आलस आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ मैं अपना यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता हूँ, एंड उसमें जो समझाऊंगा बस उसे अपने दिमाग में घुसा लूँगा, जो कीवर्ड्स होंगे उसको याद करके, ऐसे ऐसे। पढ़ने के बाद मैंने बनवाई है अपने लिए ब्रोकली, एंड ये हेल्दी भी होती है, तुम लोग मेरे से मेरी डाइट पूछ तो देख लो, मैं ये भी खाता हूँ और ये काफ़ी हेल्दी होती है, बट इसमें मैं थोड़ा टेस्टी में बनवाता हूँ, मतलब इसमें मैगी मसाला डलवा लेता हूँ और स्वीट कॉर्न्स, एंड बाकी ब्रोकली तो है ही जो मेन डिश है। तो हाँ काफ़ी देर से पढ़ रहा था, 3 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो मैं इतना आलसी हो रखा हूँ जब से मैंने होवर बोर्ड लिया है, मेरे को अगर पानी पीने भी जाना हो तो मैं उस पर जाता हूँ। ओह वाओ, आई एम सो टैलेंटेड ना, आलसी हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। वाओ ये देखो, मस्त अपना सही काम करता है वो बोर्ड इस चीज़ के लिए। तो क्या कहना चाहेगी मेरे एग्जाम को लेके? यही कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? कि तेरे एग्जाम्स हैं और मैं मजे कर रही हूँ। तू कहाँ मजे कर रही है? तू मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। गाइस लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, डिप्रेशन वाली डिप्रेशन हो रहा है मुझे, डिप्रेशन पढ़ पढ़ के बहुत पढ़ना पड़ रहा भाई, इतना तो मैं कभी भी नहीं पढ़ता। एंड बेसिकली मेरा 60% ऑफ द सिलेबस हो चुका है, मतलब रिवाइज, इसके बाद 40% रह गया जो मतलब मैं 12 बजे तक कर लूँगा एंड देन सो जाऊँगा, क्योंकि आज के लिए बहुत है यार। अभी बज रहे हैं रात के 12:15 एंड मैं सोच रहा हूँ मैं सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ के अपनी स्टैट्स रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि मैंने स्टैट्स की थ्योरी नहीं करी, माइक्रो एक बारी को मैंने पूरी रिवाइज कर लिया है,
स्टैट्स किसी मैंने न्यूमेरिकल्स वाले टाइप के करे थे एंड थ्योरी भी रह रही है, सुबह रिवाइज करूँगा। सो जस्ट अभी सो रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एंड हालत देख लो, वैसे मैं आज नहाया नहीं हूँ एग्ज़ाम में, मैं आपको बहुत कम नहाता हूँ, तो हाँ कल नहा लूँगा बट क्योंकि कल एग्ज़ाम देने जाना है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को कल सुबह मिलूँगा एंड अभी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, एंड मैं 6:15 बजे से उठा हूँ, पापा ने उठाया था, मैं खुद से तो उठ ही नहीं पाता, तो मैं 6:15 से उठा हूँ एंड अभी 7:30 हो चुके हैं और तैयारी हो चुकी है, मतलब वैसे एक बारी को जहाँ तक मेरे को लगता है जो मैंने पढ़ा, मतलब इतना तो पढ़ लिया कि पास हो जाऊँगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, पास हो जाऊँ बहुत तैयारी। 11th में मैंने कहाँ मार्क्स लाने हैं, फिलहाल बस अभी मैं रेडी वगैरह हूँगा एंड देन हम जाएंगे स्कूल, पता नहीं क्या होगा। नोनी भी सो रही है, मम्मा भी उधर सो रही है, सिर्फ मैं जागा हूँ, देख रहे हो कितना मैं अच्छा बच्चा हूँ, सिर्फ मैं जागा हूँ बाकी सब सो रहे हैं। वाओ, वी आर रेडी टू गो एंड ये मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म है, ठीक है पता तुम लोग कुछ हो गया, हमें स्कूल चेंज कर लिया था एंड 11th में मैंने चेंज कर लिया था और फिलहाल मैंने सारा सामान निकाल लिया एक बारी को, ये रहा मेन, मेरे को ये 3 चीज़ें ले जानी है और अपना पेन वगैरह, मैंने राज को कह दिया वो लेता आएगा क्योंकि मैंने पेन नहीं लिया। एंड हाँ जा रहा हूँ ब्रेड खा के जा रहा हूँ एंड बस हाँ सब कुछ रेडी है, बैग रेडी है एंड चलते हैं फिर इसके बाद। राइट, वी आर रेडी टू गो एंड अभी राज भी आ चुका है और फिलहाल चलते हैं। बाय 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 राज भाई, हाउ इज द तैयारी भाई? अरे मैं ऐसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं है। ओह माय गॉड राज भाई, पास करा दोगे? पास भाई, टॉप करने की सोचा करते हैं। ओह माय गॉड राज भाई, टॉप करा देंगे। एग्जाम बताओ कैसा हुआ है गाइस को? भाई मजा आ गया, मजा आ गया, सारा पढ़ा हुआ, वजन कम आया सुबह का, बहुत काम आया भाई, सारा पेपर आता था इतना इजी था ना, मजा आ गया। बैक होम गाइस एंड बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा मस्त गया है दोनों का ही, मेरा तो बहुत ही मस्त गया है। तो या अभी फिलहाल चलते हैं अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैंने बीच में अभी 15 मिनट की नैप ली थी, मतलब उसके बाद वैसे मैंने 1 घंटा अपना काफ़ी रेस्ट करा और 15-20 मिनट की नैप ली थी। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा इंग्लिश का है, इको का काफ़ी बढ़िया गया, लेजिट बहुत बढ़िया गया यार, मेरे को पूरा पेपर आता था, मैं अपने सर से भी डिस्कस कराया हूँ और भैया ने कहा कि हाँ सही है, मतलब मैंने कहा था कि जो जो उन्होंने बताया था कि इसमें ऐसा होगा, तो सारा मेरा मैच कर रहा था, ऐसा कोई नहीं था कि मैच ना कर रहा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है 80 में से 70-60 की लाइन में आ जाने चाहिए, नहीं आते तो बाकी कोई बात नहीं, पास हो गया ना अच्छी बात है। फिलहाल अभी मेरा इंग्लिश का है एंड इंग्लिश की मेरी ये 2 बुक्स हैं तो इसी से ही पढ़ेंगे, देखते हैं आज कितना हो पाता है। डिसाइडेड कि मैं इस बार NCERT नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत हार्ड लैंग्वेज है इसमें, मैंने पढ़ के देखी है, पता नहीं अजीब अजीब सी लैंग्वेज है, बंदा ही घूम जाएगा और चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं, तो इसको भी बंद करते हैं, सिर्फ समरी पढ़ते हैं एंड NCERT क्वेश्चंस करूँगा, इनफ है यार। और इतना तो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने जब 10th के एग्ज़ाम दिए तब भी मैंने सिर्फ समरी पढ़ी थी और NCERT क्वेश्चंस पढ़े थे, वर्थ था क्योंकि आते ही NCERT में से है मेन, तो बाकी मैंने YouTube पे वीडियो देख ली थी चैप्टर की तो मेरे को समझ आ गया ओवरऑल चैप्टर में क्या है। दिख ही रहा होगा मैं सो के उठा हूँ, एक्चुअली आज डे 2 है एंड कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम, और प्रीवियस डे था मतलब कल पहले वाला डे, तो मैंने कल ज़्यादा इतना नहीं करा, बस मैंने सबकी समरी पढ़ी थी, तो मैंने कल कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं करा, आज मैं सबके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पढ़ूंगा और एक बारी को मैंने सारे चैप्टर्स की समरी पढ़ ली सारी पोएम की। एंड फिलहाल आज का मेरा टारगेट ये है कि जितना भी सब कुछ पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करूँगा एंड सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के उन्हें लर्न करूँगा। हाँ बाकी मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ अभी फिलहाल, जस्ट पढ़ रहा था एंड मम्मा ने इतनी ज़ोर ज़ोर के जो नाटक चला रखे ना अपने, मम्मी आवाज़ धीरे कर लो भाई, बहुत तेज आवाज़ की है। हाँ जी बहुत तेज। एंड फिलहाल अभी मैंने अपना क्वेश्चन आंसर रीड करने स्टार्ट किए थे, 3 चैप्टर के हो चुके हैं एंड चौथा कर रहा हूँ, इसके बाद 5 चैप्टर टोटल स्नैपशॉट में, तो ये मेरे निपट जाएंगे 1 घंटे तक एंड फिर मैं स्टार्ट करूँगा अपना दूसरी बुक जो जीप से है, बहुत अभी मैं आसान वाली कर रहा था। क्या बात है सर, ये बात है, पढ़ते काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी एंड फिलहाल। हाँ मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ कि मैं अपना वैसे तो इतना बाहर का नहीं खाता बट जैसे एग्ज़ाम आता है सिर्फ मैं बाहर का खाता हूँ क्योंकि मैं डाइट लेने का मेरा इतना बनता नहीं क्योंकि शेक वगैरह खुद बनाना पड़ता है, तो मैं अपना बाहर से ऑर्डर करते रहता हूँ, जंक फूड भाई भर भर के खाता हूँ, मतलब एग्ज़ाम में समझ लो एग्ज़ाम आया तो मैं पता नहीं कौन सी खुशी मना रहा हूँ, मैं बाहर का खाता रहूँगा
घर का तो खाता ही नहीं हूँ, तो फिलहाल अभी मैंने खाने पीने के लिए मंगवाया अपना मोमोज वगैरह टाइप, एंड फिलहाल ही खाऊंगा और पढ़ाई चल रही है फुल। मेरा वेट उतना ही है जितना पहले था, मेरा वेट नहीं घटा है, आई एम सो हैप्पी। तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके बाद वैसे मैंने डाइट लेनी थी, दोनों एग्ज़ाम मैंने एक हफ्ते का गैप लिया अपनी डाइट में, एंड हाँ दो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं एंड अब डाइट दोबारा स्टार्ट करेंगे। राइट गाइज, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं एंड कच्ची पक्की तैयारी हो चुकी है इंग्लिश की। इकोनॉमिक्स में फिर भी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बट इंग्लिश में नहीं आ रही क्योंकि तैयारी कच्ची पक्की सी हुई है, पता नहीं क्या जाएगा। और बाकी हाँ, मैं ये कह रहा था कि फ़िलहाल मैं सोच रहा था ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी एक पेपर का दिखा चुका हूँ और शायद कल मैं नया स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि कल मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है, तो कुछ एक्साइटिंग होगा। इस ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा दिखा ही नहीं पाया क्योंकि एक तो इशिता, अमन, चेतना तीनों बाहर हैं, आकाश पर शॉप पे रहते हैं, तो मैं तुम्हारे को वो भी दिखा पा रहा जो हरकतें मेरे घर में चलती हैं, एंड बाकी टाइम मैं अपने रूम में बंद रहता हूँ और अपना पढ़ता रहता हूँ, तो आजकल मैं बाहर भी जा रहा हूँ, बट कल जाऊँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कल अलग से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। एंड इसमें मैंने अपना पढ़ाई का दिखाया था, थोड़ा बहुत बता रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैनेज कर लेना, मैं ब्लॉगिंग ही भूल गया हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं करता क्या था एक्चुअल में। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल बुक्स बंद कर दी हैं एंड सोने की तैयारी चल रही है, सुबह 6:30-6:15 तक उठूँगा एंड थोड़ा बहुत पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे आऊँगा, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे हूँ। तो या इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। मैं वैसे क्या बोलता था, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट टाटा, सी द नेक्स्ट ब्लॉग।